एन एक्सपर्ट है जो कि इस फील्ड में लगभग लगभग 17 साल से काम कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस अपना है 17 ईयर्स का, और 8-9 साल से इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं हमारे साथ मिस्टर रुचिर गुप्ता जी। सर प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेल अस हाउ वी कैन मेक मोर मनी विद आर मनी। रुचिर गुप्ता भारत के एक छोटे से शहर कानपुर से आते हैं। उन्होंने MBA इन फाइनेंस की पढ़ाई करी और 6 साल तक मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने के बाद उन्होंने अपना करियर स्विच कर लिया। स्टॉक मार्केट में ज्यादा रुचि होने के कारण उन्होंने उसमें रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के दौरान उन्होंने टाइमिंग और फॉरकास्टिंग पे एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे और उन्होंने 2015 में लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कोरोना पीरियड में उन्होंने ये मेथड को ऑनलाइन डिजिटल कोर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। रुचिर गुप्ता का ये मेथड अब अनगिनत स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर चुका है। अपने बेहतरीन काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि मोस्ट इनोवेटिव स्टॉक मार्केट ट्रेनर बाय जी बिजनेस, इकोनॉमिक टाइम्स लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड। रुचिर ने ऑनलाइन स्टॉक मार्केट लर्निंग को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उनके इस प्रयास के लिए उनको बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर के खिताब से नवाजा गया है। रुचिर एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर होने के साथ ही साथ एक ऑथर भी है। उन्होंने अपनी पहली बुक द लेजेंडरी ब्रायन ट्रेसी के साथ लिखी है, जिसका नाम है सीक्रेट टू वेल्थ एंटरप्रेन्योर, एंड उनकी दूसरी बुक अचीव अमेरिका के शार्क टैंक केविन हैरिंगटन और अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर रॉबर्ट जी एलन के साथ लिखी है। रुचिर चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और अपने फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप्स के माध्यम से वो अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सिखा चुके हैं। तो क्या आप तैयार हैं ऐसी अनोखी पर्सनालिटी से मिलने के लिए? तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं आपके अगले स्पीकर रुचिर गुप्ता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी का एंड चित्रेश जी का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है। क्योंकि सर ने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें 4th पॉइंट जो उन्होंने बताया, उसमें पैसा बनाएं कैसे सर ने बताया, मैं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, बचाएं कैसे। क्योंकि आप अगर इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि आपके जो पैसे हैं वो पैसे अगर आप यार इतनी मेहनत करके आप एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेसमैन हो, कमा रहे हो, 1 करोड़ की सेल करोगे जाके, तब जाके शायद 10 लाख बचेगा। वो 10 लाख जाकर के मार्केट में लगाओगे, और अगर एक्सपीरियंस नहीं रहा और कहीं इंट्राडे वगैरह करना चालू किया तो वो 10 लाख सारा गया। मतलब 1 करोड़ की सेल्स के लिए जितनी मेहनत करी थी वो सारी एक बार में गई। तो अल्टीमेटली पैसे को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बचाने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो मार्केट में करनी है, मार्केट को सट्टेबाजी की तरीके नहीं यूज़ करना है। ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट में आता है, इंट्राडे करता है और पैसा बर्बाद करके चला जाता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अपने पैसों को बचा के रखना है, कोशिश ये करनी है अच्छी कंपनीज में ही पैसे लगाओ, एक एक्सपर्ट के साथ में अगर लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है, सीख के लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ लगा दो अगर आपके पास टाइम नहीं, बिकॉज आप लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, आप लोगों के पास में समय की कमी है, आप लोग एक्टिवली शायद पैसे मार्केट में वॉच भी ना कर पाओ अपने, तो उस कंडीशन में आपको इतना तो समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जो है वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है। अब अगर ऐसा हो सकता है, अच्छा कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में या ट्रेड करते हैं किसी भी तरीके से? ठीक है, तो अभी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप इंट्राडे करते हो या इन्वेस्ट करते हो? लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म है तो भाई सीधी सी बात है आप अपने बिजनेस में फोकस भी कर पाते हो, सारी चीजें कर पाते हो। अभी वहां से जो एक सिचुएशन मैं आप लोगों को बता देता हूं जिससे आप सबका फोकस हो जाएगा इक्विटी की तरफ या जिस तरफ ध्यान लगाना है। होता क्या, जब मार्केट में लोग ट्रेड करने जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, गोल्ड सिल्वर में ट्रेड कर लो, मेटल्स में ट्रेड कर लो, क्रूड ऑयल में कर लो, उधर करेंसीज भी 8 तरीके की करेंसी अपनी मार्केट में है, उनमें जाके लोग ट्रेड करने लगते हैं। इक्विटी में जाते हैं तो इक्विटी में केवल इक्विटी नहीं रहता है, फ्यूचर्स भी आ जाता है, ऑप्शंस भी आ जाता है, उसके बाद में इंट्राडे में भी कई सारे तरीके के इंट्राडे आ जाते हैं, बीच बीच में सुनने में आया बाइनरी ऑप्शन भी अपनी इंडिया की मार्केट में आ रही है, उसके अलावा बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो करेंसीज,
तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा फोकस जो है वो एक जगह से हट करके 500 जगह पे स्कैटर हो जाता है। तो अब ये स्कैटरिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि 90% जो इंट्राडे ट्रेडर है वो 90 दिन के अंदर अपनी 90% कैपिटल बर्बाद कर देता है, अगर हमें ये बात पता है, तो हमें वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनना है, हमें बनना है पोजिशनल ट्रेडर। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपने जाकर के हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए या कह लो एटलीस्ट एक महीने से ऊपर के टाइम फ्रेम पे काम करना, उससे कम के टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना। अच्छा, अभी एक चीज पाठक सर बोल रहे थे आईपीओ से रिलेटेड, उन्होंने एक चीज बोली, टंडन जी बोल रहे थे आईपीओ से रिलेटेड। तो अभी आप लोग जितने लोग भी आईपीओ लाना चाहते हो एक बार जरा हाथ रेज करोगे, मैं उससे रिलेटेड कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। जितने लोग आईपीओ लाना चाहते हो अगर, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताऊंगा, जैसे अगर 1993 से आप मार्केट को देखो, 98 तक मार्केट में बुलिश पैटर्न रहा था, 2003 से लेकर 2007 तक मार्केट बुलिश रही, फिर बाद में क्रैश आया। 2013 से अगर आप देखोगे तो 17 तक तो भागी थी, उसके आगे भी भागी थी, 17 में भी भागी, 20 में भी, 19 में भी भागी। अल्टीमेटली आप अगर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो 5 साल हमेशा बुलिश रहे। तो अभी अगर आप वो पीरियड देखो तो 23 से लेकर लमसम 27 तक बुलिश रहने वाला है। तो अगर आईपीओ को एनकैश करना है या लाना चाहते हो तो ये बेस्ट पीरियड है। अब आप कहोगे कि यार ये तो 3 डिकेड्स को आप केवल एग्जामिन करके बताए दे रहे हो। आप यूएस की मार्केट में भी अगर एनालिसिस करोगे जाके, डाउ जोन्स का 100 ईयर्स का डेटा अगर आप जाके देखोगे, ट्रेडिंग व्यू में दिख जाएगा आपको डेटा, वहां पे भी आपको दिखेगा 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 7th ईयर ऑफ द डिकेड तक या 8th ईयर ऑफ द डिकेड तक मार्केट बुलिश दिख रही है। तो वो आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हो। अगर आईपीओ लाने वाले मोड में हो, जो कि आप सब में से कई सारे लोग होंगे, तो वो भी एक पॉइंट आप वहां पे एनकैश कर सकते हो। तो बात यहाँ पे यार बड़ी सिंपल सी है कि अपने पैसे को बचा के रखना है, एक भी पैसा मार्केट में बर्बाद नहीं करना। और ये जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा टाइम है जिसमें कि 10 साल में जितना रिटर्न इन जनरल आपको मिलता है, अल्टीमेटली यहाँ पे जो मैंने बात बताई, अब देखो इसमें बहुत सारी और चीजें हैं। अगर मैं डाउ जोन्स के उस एनालिसिस की बात करूं तो एक बार केवल फेल हुआ था 70s में, 73 से लेकर 77 तक अगर हम देखें तो वो वहां पे फेल हुआ था। अदरवाइज हम देखें, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आगे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मे बी मैं उस चीज में और आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको बस छोटी सी एक चीज बताऊंगा, मैं YouTube पे लाइव कर रहा हूँ, 100 डेज का चैलेंज है, वहां पे लमसम 8 या 9 दिन मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। एवरी ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 9 PM मैं सिखा रहा हूँ, तो वो भी आप आकर के सीख सकते हो। पर्पस वहां पे ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा है कि किसी का भी नुकसान होने से बचा दिया जाए। तो अगर आप लोग आगे कुछ जर्नी प्लान कर रहे हो ट्रेडिंग से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आके आप फ्रीली सीख सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोगों को आईपीओ के रिलेटेड जो मैंने बात बताई बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो उस ड्यूरेशन में कर लेना। उससे अलावा भी मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी ऐसी साइकिल्स हैं जो शायद आपको जाके स्टडी करनी चाहिए। बीइंग अ बिजनेस ओनर, केवल देखो मार्केट में कुछ चीज़ें जो काम करती हैं, आप बिजनेस ओनर हो आपको पता है पैटर्न्स को एनालाइज करना चाहिए। पैटर्न्स को अगर आप एनालाइज करोगे, आगे आगे कौन सा बिजनेस बढ़ सकता है या कौन सी इंडस्ट्री बूम कर सकती है, वो भी आप कैच कर सकते हो। सेम चीज आप कर सकते हो मार्केट में भी। मार्केट में वो लोग ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल होते हैं जो पैटर्न्स को एनालाइज कर लेते हैं, चीजों को एनालाइज कर लेते हैं। एक साइकिल को अगर पकड़ लो आप, उस साइकिल को आप बिजनेस में भी पकड़ सकते हो। ऐसी बिजनेस की साइकिल्स हमने देखी हैं 10-10 साल में आती हैं। ये जैसे मैं कह रहा हूँ, आपने आईपीओ को एनकैश करने की मैं बात कर रहा हूँ कि आप 7th ईयर ऑफ द डिकेड मतलब 2027 के अंदर अगर एनकैश कर लो, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स भी आपकी जो हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो पैसा तो वो भी वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं धन्यवाद चाहूँगा आप सभी का, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच आशीष जी एंड चित्रेश जी।